वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स का आपको सेकंड क्वेश्चन मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। 11th क्लास का पार्ट फर्स्ट फोर्थ लेसन डिटरमिनेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन। अभी तक कि हमने टू डिटरमिनेंट्स लास्ट वीडियो में देखे, अब इसमें तीन डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करें। सामने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 - 4 = 5, सेकंड रो में दिया है 1 - 1 - 2, थर्ड रो में दिया है 2 - 3 - 1। इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले जो आप डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में 3 दिख रहा है, वो 3 पूरा जैसा का वैसा लिख लें। जैसे आप 3 लिखेंगे तो 3 के सामने का जो रो है -4 और 5, इसको लेफ्ट कर दो, और 3 के नीचे के जो कॉलम है 1, 2, इसे भी लेफ्ट कर दो। रिमेनिंग जो पार्ट्स बचेगा वो आपका 3 का डिटरमिनेंट रहेगा। मतलब क्या बचा आपका रिमेनिंग पार्ट्स? 1 और -2, एंड नीचे के रो में 3 और -1। अब 3 डिटरमिनेंट में सबसे पहले लॉजिक ये ऐसा 3 डिटरमिनेंट्स का कि जब 3 डिटरमिनेंट्स हम सॉल्व करते हैं तो बीच का जो है फर्स्ट डिटरमिनेंट छोड़ के जो सेकंड डिटरमिनेंट आता है उसमें हमेशा माइनस लगता है। देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, उसके बाद सेकंड डिटरमिनेंट आप करेंगे -4। -4 के नीचे का जो कॉलम है 1 और 3, इसको लेफ्ट कर दो, और -4 के आजू बाजू के जो है 3 और 4 रो, मतलब रो में जो वैल्यू है 3 और 4, उसे भी लेफ्ट कर दो। रिमेनिंग पार्ट्स -4 के डिटरमिनेंट में लिखेंगे हम। रिमेनिंग पार्ट इज़ 1 और -2, एंड सेकंड रो में आएगा 2 और -1। फर्स्ट डिटरमिनेंट भी आपने लिख लिए, सेकंड डिटरमिनेंट भी आपने लिख लिए, थर्ड डिटरमिनेंट रहेगा आपका 5 के नीचे का जो रो है -2 और -1, से लेफ्ट कर दो। 5 के सामने के जो है रो में 3 और -4, इसे भी लेफ्ट कर दो। 5 के नीचे के जो कॉलम है -2 और -1, ये दोनों भी लेफ्ट करना है हमें। बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स आपका 5 का डिटरमिनेंट रहेगा। रिमेनिंग पार्ट इज़ 1 और 1, सेकंड रो में आएगा 2 और 3। ये आपका तीनों भी डिटरमिनेंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है कि ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। 1 × 1, आंसर इज़ -1 है लिखा हुआ। 3 आप डिटरमिनेंट का सामने जैसा का वैसा आएगा, और ब्रैकेट में आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। सेकंड में 3 × -2, आंसर इज़ -6, बट दोनों डिटरमिनेंट के बीच में माइनस साइन लगती है, -6 हो जाएगा +6। ये आपके पहले 3 डिटरमिनेंट्स के ब्रैकेट सॉल्व हो गया, -1 + 6। सेकंड वन इज़ जो बीच का है माइनस साइन और -4, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो -, -, + हो जाता है, तो +4 हो गया। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है आपको। डिटरमिनेंट इज़ 1 × -1, आंसर इज़ -1। सेकंड वन इज़ बीच में माइनस रहेगा, इसे सॉल्व कर लो। 2 × -2 इज़ आंसर इज़ -4, एंड बीच में साइन ऑलरेडी माइनस है, तो -4 और -+ हो जाएगा, आंसर आएगा +4। थर्ड वन इज़ +5 जैसा का वैसा आएगा। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए। 1 × 3, आंसर इज़ 3, बीच में कुछ दोनों डिटरमिनेंट के बीच में साइन रहता है माइनस का, माइनस जैसा का वैसा। 2 × 1 इज़ आंसर इज़ 2, इसे सॉल्व कर लो। अब सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में आइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। 3 जैसा का वैसा लिखेंगे आप, -1 में +6 ऐड किए तो आंसर इज़ 5। सेकेंड इज़ +4 जैसा का वैसा लिख लेंगे, -1 में जब +4 ऐड करेंगे तो आंसर इज़ 3। थर्ड डिटरमिनेंट 5 जैसा का वैसा, और 3 में से 2 गया तो रिमेनिंग इज़ 1, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो 3 × 5 = 15, एंड 4 × 3 = 12, एंड 5 × 1 = 5, एंड टोटल कर लीजिए 15 + 12 + 5। 15 + 12 होता है 27 + 5 होता है 32। ये आपका क्वेश्चंस मैंने आपको इजीली सॉल्व कैसा करेंगे बता दिया है 3 डिटरमिनेंट्स का। फिर से बेसिक बता रहा हूँ आपका, 3 डिटरमिनेंट्स जब आप सॉल्व करते हो तो सेकंड वाले को आपको माइनस साइन लगाना ही पड़ता है। इट इज़ कंपलसरी फॉर माइनस साइन फॉर 3 डिटरमिनेंट्स। 3 डिटरमिनेंट्स के बीच में जो बीच वाला रहता है उसे हम माइनस साइन लगाते हैं,
और फिर सॉल्व करती है। और टू डिटरमिनेंट्स तो आपको हल करना सॉल्व करना आता ही है, सेम उसी जैसा है थ्री डिटरमिनेंट्स, बस चेंज क्या हो जाता है कि टू डिटरमिनेंट्स के बजाय हमको यहाँ थ्री डिटरमिनेंट्स सॉल्व करना पड़ता है और बीच में इसके माइनस साइन लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर एंड दिस क्वेश्चन। इफ़ एनी क्वेरीज, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिए 9960801137 पर, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लस आपके दोस्तों में भी इसका डिस्कस कीजिए और शेयर भी कीजिए, जितना हो सके 11th और 12th के बच्चों का इससे फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।